नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। जवाहरलाल नेहरू और सोमनाथ मंदिर का कनेक्शन क्या है? 29 नवंबर की दोपहर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचे और बवाल खड़ा हो गया। बवाल ये कि उनका नाम दूसरे कांग्रेसी नेता अहमद पटेल के साथ उस रजिस्टर में लिखा गया जिसमें गैर हिंदुओं के नाम होते हैं, लेकिन बड़ा बवाल इससे पहले शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेबसाइट के ट्विटर हैंडल पर उनके हवाले से लिखा गया, अगर सरदार पटेल ना होते तो सोमनाथ में मंदिर संभव ना होता। मोदी का राहुल पर हमला। आज कुछ लोग सोमनाथ को याद कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप इतिहास भूल गए हैं क्या? आपके परिवार के सदस्य, हमारे पहले प्रधानमंत्री यहां मंदिर बनाने के पक्ष में ही नहीं थे। आगे लिखा गया है, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहां सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने के लिए आना था, तो इस पर पंडित नेहरू ने नाखुशी जताई थी। गुजरात में मोदी गलत बोले या गलती से बोले? ग्राउंड रिपोर्ट, गुजरात के दलितों पर मोदी राहुल का असर क्यों नहीं? सरदार पटेल ने नर्मदा का ख्वाब देखा था, लेकिन आपके परिवार ने उनका ये ख्वाब पूरा होने नहीं दिया। नेहरू का क्या लेना देना है? गुजरात में चुनाव होने हैं और दोनों पक्ष हमलावर हैं, लेकिन पीएम राहुल गांधी के सोमनाथ मंदिर पहुंचने पर इतना भड़के क्यों? प्रधानमंत्री देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र क्यों कर रहे थे? क्या वाकई उनकी बातों में दम है? गुजरात में शिक्षा के दावे और हकीकत। गुजरात में बीजेपी ने इतनी बड़ी फौज क्यों उतारी? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए देश की आजादी और उसके बाद के दौर में झांकना होगा। आजादी से पहले जूनागढ़ रियासत के नवाब ने 1947 में पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था। सोमनाथ पर गांधी क्या बोले? भारत ने उनका ये फैसला स्वीकार करने के इनकार कर दिया और उसे भारत में मिला लिया गया। भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुंचे। उन्होंने भारतीय सेना को इस क्षेत्र को स्थिर बनाने निर्देश दिए और साथ ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। सरदार पटेल, केएम मुंशी और कांग्रेस के दूसरे नेता इस प्रस्ताव के साथ महात्मा गांधी के पास गए। ऐसा बताया जाता कि महात्मा गांधी ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन ये भी सुझाव दिया कि निर्माण के खर्च में लगने वाला पैसा आम जनता से दान के रूप में इकट्ठा किया जाना चाहिए, न कि सरकारी खजाने से दिया जाना चाहिए। गांधी पटेल के बाद क्या हुआ? लेकिन इसके कुछ वक्त बाद ही महात्मा गांधी की हत्या हो गई और सरदार पटेल भी नहीं रहे। मंदिर को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी केएम मुंशी पर आ गई, जो नेहरू सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे। साल 1950 के अक्टूबर में सोमनाथ मंदिर के खस्ताहाल हिस्सों को ढहाया गया और वहां मौजूद मस्जिद के जैसे ढांचे को कुछ किलोमीटर दूर सरकाया गया। केएम मुंशी के निमंत्रण पर मई 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था, सोमनाथ मंदिर इस बात का परिचायक है कि पुनर्निर्माण की ताकत हमेशा तबाही की ताकत से ज्यादा होती है। नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोका था। अब वो बात जहां सोमनाथ मंदिर की कहानी नेहरू से जुड़ती है। दरअसल नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को वहां न जाने की सलाह दी थी। उनका मानना था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और राष्ट्रपति के किसी मंदिर के कार्यक्रम में जाने से गलत संकेत जाएगा। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनकी राय नहीं मानी। नेहरू ने खुद को सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण से अलग रखा था और सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र तक लिखा था। उन्होंने कहा था कि सोमनाथ मंदिर परियोजना के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। करीब 70 बरस पहले हुई घटना आज सियासी बवाल मचा रही है, क्योंकि गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे राहुल गांधी मंदिरों का दौरा कर रहे हैं
और सोमनाथ मंदिर जाने का उनका फैसला भाजपा के गले नहीं उतर रहा। बीबीसी हिंदी के एंड्रॉयड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।